तो हम पहुंचे अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में हमारी मुलाकात हुई एक खास व्यक्ति से। इनको मैं पहले से जानता हूं, पर मैंने सोचा इस बार मौका मिला है तो बात करेंगे। एक खास बात बताऊं, वो जो आपको बाईं तरफ दिख रहे हैं वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनसे इशारे में बात करनी पड़ती है, और बचपन से ही ऐसा है। तो मैंने अपने साथ बिठाया एक व्यक्ति को जो इनको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हम दिखाएंगे कि जो मूक बधिर और बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, वो कैसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन भट्ट है। मोहन जी, इनका नाम बताएंगे पहले? इनका नाम नारायण दत्त भट्ट है। नारायण दत्त भट्ट, और ये कब से बोलने सुन नहीं सकते? ये बचपन से ही ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं। पैदा होने से ही ऐसा हुआ या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ? पैदा होने से ही ऐसे हुआ है। तो जैसे ये बचपन से ही रहने वाले कहाँ के हैं? ये अंडोली ग्राम सभा है। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट जिला अल्मोड़ा है। जिला अल्मोड़ा है। आप मोहन जी कहाँ काम करते हैं? मैं दिल्ली में करता हूँ। दिल्ली में काम करते हैं, तो आप यहाँ दिल्ली से अल्मोड़ा आए हैं। तो अब इनसे जैसे आपको बात करनी है, तो आप कैसे बात करोगे? मान लो आपको पूछना है कि खाना खाया नहीं खाया, तो कैसे पूछोगे? जैसे इनको पूछूंगा इसी तरीके से। तो उन्होंने क्या बोला? अभी बोला, अभी नाश्ता कर लिया मॉर्निंग का, मतलब मुंडी से इशारे कर दिया। हाँ, अब जैसे और कुछ आपको इनसे बात करनी है, जैसे आप साधारण कोई बात पूछिए इनसे कि कुछ भी तरीके की बात पूछिए कि वो कहाँ हैं, कब घर कब जाओगे, काम कितना हुआ है, ऐसी चीज़ें। गांव के काम करते होंगे? हाँ, तो ऐसे पूछिए कि गांव का काम कितना हुआ है, कितना काम चल रहा है, कोई भी जैसे आप बात करते हो इनसे, एक बार पूछ के देखिए। और मैं जैसे नॉर्मली इनको पूछूंगा कि घर कब, आपने क्या पूछा? घर कब जा रहे हो? घर कब जा रहे हो? इस तरह के इशारे करना। अब पूछिए, बताइए, करिए करिए दोबारा। जैसे मैं किसी के पसंद के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे किसी लेडीज के बारे में या जिनको ये जानते हैं अच्छी तरह, लेडीज के लिए जैसे लेडीज जैसे हमारी बहन है बड़ी, उनको इस तरीके से इशारा कर दिया जाता है। और जैसे मेरा बड़ा भाई है, वो ये बड़े भाई मेरा जैसे पढ़ा लिखा है अच्छा, वो भी दिल्ली में रहते हैं, उसको इस तरीके से कंप्यूटर से इस तरीके से वो इशारा करते हैं। आप एक बार बोल के देखिए, मैं उनका जवाब देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से जवाब। हाँ, इस तरीके से सारे। तो उन्होंने बताया वो वहाँ रहते हैं, रहते वो पहचान जाते हैं। अगर इनको कोई तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, ऐसे फिर कैसे बताते हैं? जब पेट में दर्द होता है तो ऐसे दर्द बताते हैं, इस तरीके से इशारा करते हैं। एक बार थोड़ा सा, मैं चूंकि मेरे पास बहुत प्रश्न नहीं, आप नॉर्मल बातचीत कीजिए, मैं फिर पूछ लूंगा। जैसे मैंने इनको बोला जैसे फीवर आ गया, तो नाड़ी में से हाथ लगा के हम करते हैं, गर्म हो गया थोड़ा, फीवर आ गया। अच्छा अच्छा। इनका बहुत पहले पेट में दर्द हो गया था, पथरी हो गई थी, तो ऑपरेशन किया था हमने ना, वहाँ ऑपरेशन इस तरीके से निकाला था। और जैसे हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, इनसे एक बार पूछे खेती बाड़ी कोई काम कैसे होगा, पूछे ताकि वो बता सके पूरा इशारे में। जैसे मैं चाहता हूँ वो बताएं पूरी बात, अगर संभव होगा तो। दो बैलू के बीच में आप उसको ज्वाइन करने वाला जो लकड़ा होता है, लकड़ी होती है, उसको बेसिकली बना लेते हैं अपने हाथ से। ये भी प्रोग्राम काम तो इनसे पूछो आप घर भी बना लेते हैं। अच्छा, कहाँ घर भी बना? घर बना लेंगे, चाय का काम पूरा कर लेते हैं घर से, ईंट लगाना पूरा। अच्छा, अच्छा। दरवाजे लगवा लो। अच्छा। खेत खेती बाड़ी का पूरा काम करा लो, ईच एंड एवरीथिंग कर देते हैं। अच्छा, ये क्या बताया इन्होंने? हाँ, वो जैसे जोतने वाला होता ना खेत, तो उसको भी बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, वो सब बता। ये भाषा जैसे एक होती है कि कोई बोल नहीं पाता तो उसको सिखाई जाती है, ASL मुंह हाथ की भाषा सिखाते हैं, इशारों की। इनको वैसी भाषा तो नहीं सिखाई गई है? उनको नहीं सिखाएगा, बचपन से बेसिकली इनको इशारों में सिखाएगा, बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड वाले लोग ही समझ पाते हैं। जो अच्छा, लोग इनको जानते हैं, जो लोग जानते हैं वही बात पहचान पाते। कोई थर्ड पर्सन के पास जाते हैं तो लोग बेसिकली नोन बंदे होता है, गांव एक छोटा सा एरिया है, दूर दूर तक एक दूसरे को जानते हैं। मेरे फादर को जानते हैं बेसिकली, ये मेरे चाचा हैं। अच्छा, ये आपके चाचा? मेरे चाचा हैं। अच्छा, छोटे चाचा हैं मेरे, मेरे पापा के छोटे भाई हैं। छोटे भाई, तो ये पापा को सब लोग जानते हैं, तो इनको भी बचपन से ही सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह। अच्छा, और इनका नाम दोबारा बता देंगे आप? इनका नाम नारायण दत्त भट्ट है। नारायण दत्त भट्ट है। और जैसे अगर ये रात को लेटे हैं तो ये बोल नहीं पाते, तो एक अगर इनको कोई तकलीफ हुई तो ये कैसे मतलब कैसे बताएंगे कि मुझे तो कोई तकलीफ है, दुख तकलीफ है, तो जाके उठाना पड़ता होगा? नहीं, अगर ये उठ के आ सकते हैं तो बताएंगे। हाँ। नहीं तो फिर अपनी भाषा में आवाज़ तो करते हैं। अच्छा, आवाज़ निकालते हैं? अच्छा, आवाज़ निकलती है पर शब्द उस तरीके से नहीं, आवाज़ आती है, शब्द उस तरीके से नहीं निकल सकते हैं।
जैसे दर्द होता है उनको तो मतलब रोना धोना सब कुछ होता है, सब कुछ होता सब कुछ होता है। और जैसे अगर कोई चीज इनको वैसे बतानी हो कि मुझे पानी चाहिए तो ये किस तरीके ऐसे करके इशारा करते हैं? पानी करके ऐसे इशारा करेंगे पानी चाहिए। इसके अभी क्या बोला? नहीं, वो मैंने उसने सोचा कि शराब बांध, उसने सोचा शराब बोला है। अच्छा अच्छा, मतलब वो इससे नहीं करते, नफरत करते हैं उससे। अच्छा, वो कह रहे हैं मत नहीं पीना। हाँ, तो पानी पा, नहीं पीता हूं बोलते हैं, नहीं पीते हैं, देख कसम खाता हूं बोले मैं नहीं पीता। गलती से नहीं। तो अच्छा, तो हम जो बोल रहे हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा, पर वो कॉन्टेक्स्ट निकाल रहे हैं कि हमने जो इशारा किया है। हाँ, उस तरह से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी, और नारायण जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कैसे गांव के इलाके में एक व्यक्ति है जो शहर की तरह, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्होंने कोई भाषा का मूवमेंट नहीं सिखाया, परंतु रोज़मर्रा का काम चलता है, आसपास के लोग समझते हैं, और जितना वो इशारा कर पाते हैं उस तरीके से बात हो जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।